आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन वी लुकअप, वो भी केवल 1 मिनट के अंदर। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, मैं ये चाहता हूँ मैं कोई भी आईडी यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने मान ली 2362 यहाँ पे लिखा, तो इसका नेम अपने आप आ जाए इस वाले टेबल से। तो ये कैसे करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप कैसे यूज़ करना है मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊँगा आज। सबसे पहले आपको इस टेबल को सेट करना है और यहाँ पे इसका नेम दे देना है। जैसे मान लीजिए मैंने टेबल ही दे दिया, इसका नेम टेबल डिफाइन हो गया। जैसे आप टेबल सेलेक्ट करोगे वैसे ये टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बस वी लुकअप टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू में वो वैल्यू दे देनी जिसको आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 2362 कॉमा प्रेस किया। अब यहाँ पे आपसे टेबल कह रहा है, क्या कह रहा है टेबल, तो टेबल का नाम हमने क्या दिया था, टेबल दिया था, तो आप यहाँ पे सिंपल टेबल लिख दो, कॉमा प्रेस करो। उसके बाद कॉलम नंबर, कॉलम नंबर क्या आईडी है हमारा फर्स्ट नंबर पे और नेम है हमारा सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे हम सेकंड दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। रेंज लुकअप में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जीरो टाइप करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना है। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। जैसे ही एंटर करोगे आपका आरती गुप्ता आ गया जो कि इसका कोड है। अब क्या ये डायनेमिक है, मतलब जैसे ही आप इसको चेंज करोगे ये अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाए। देखिए राजू मिश्रा आ गया 2651 का, तो इसमें सर्च कर लेते हैं 2651 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है राजू मिश्रा, तो यही नेम यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको काफ़ी समझ में आया होगा। समझ में आया तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद, गुड बाय।